खोराबाड़ थाने की पुलिस ने जांगी पार में हुए युवक की हत्या के आरोप में वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में खोराबाड़ थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान गोविंद निषाद पुत्र अयोध्या निषाद निवासी खैरा लहसणी थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, दूसरा मुरलीधर पुत्र रामवृक्ष निषाद निवासी खैरा लहसणी थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। खोराबाड़ थाना प्रभारी ने बताया कि 28 अक्टूबर को एक युवक की मूर्ति विसर्जन में चाकू से गोद कर हत्या की गई थी, जिसके संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जिसको देखते हुए हत्या में वांछित दो अभियुक्तों को बुधवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबाड़ थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, एसओजी टीम प्रभारी मनीष यादव, कांस्टेबल कृष्ण कुमार गुप्ता, अजय कुमार यादव, अजीत यादव शामिल रहे।